आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। चौकीदार चोर है का विवाद, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी माफी। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा का मोदी पर वार, देश ने कभी भी अहंकार और घमंड को नहीं किया माफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस दे रही सिख दंगों के गुनहगारों को इनाम, एक को बना दिया मुख्यमंत्री। साधुओं ने दिग्विजय सिंह के पक्ष में निकाली रैली, जगह जगह मोदी मोदी के नारे लगे, मामला हुआ दर्ज। और दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़, दो हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है वाले बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है। राहुल की ओर से इस संबंध में बुधवार को 3 पेज का हलफनामा पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की माफी स्वीकार कर ली है। तमाम सारे लेकिन किंतु परंतु के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में चौकीदार चोर है वाले बयान पर बिना शर्त माफी मांग ली है। इससे पहले राहुल गांधी अपने कहे पर खेद जता चुके थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया था, माफी मतलब माफी। चुनाव की इस बेला में इस मामले को लेकर राहुल गांधी की जमकर किरकिरी हुई। उसके बाद इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से 3 पेज का हलफनामा अदालत में पेश किया गया, जिसमें राहुल गांधी ने माफी मांगी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए एक रैली में कहा था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि चौकीदार चोर है। इसके बाद भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने मानहानि का केस दर्ज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल के बयान पर आपत्ति लेते हुए पूछा कि ऐसे कोर्ट ने कब कहा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिख दंगों के गुनाहगारों को लेकर कहा कि 1984 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों सिख परिवारों की कांग्रेस परिवार और उसके दरबारियों के इशारों पर हत्या की गई। 34 साल तक दर्जन भर आयोग बने, लेकिन सिख समुदाय को इंसाफ नहीं मिला। आपके इस चौकीदार ने सिख समुदाय को इंसाफ देने का वादा किया था। मुझे संतोष है कि सिखों को इंसाफ मिलना शुरू हो गया है, सिख समुदाय के गुनाहगारों को सजा मिलना शुरू हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को एक बार फिर से चुनावी रैली को संबोधित करने निकले और इसकी शुरुआत फतेहाबाद से हुई, जहां मोदी ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। मोदी ने सिख दंगों के गुनाहगारों को लेकर कहा कि 1984 में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा सहित देश के अलग अलग हिस्सों में हजारों सिख परिवारों की कांग्रेस परिवार और उनके दरबारियों के इशारे पर हत्या की गई। मुझे संतोष है कि सिख समुदाय के गुनाहगारों को सजा मिलना शुरू हो गई है, लेकिन ये बेशरम कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप के हिस्सेदार रहे हैं। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। अब हमारे सपूत पाकिस्तान के भीतर आतंकियों के अड्डे में घुसकर मारते हैं। पहले सर्जिकल स्ट्राइक में हम जमीन से गए और जब दूसरा स्ट्राइक किया तो एयर स्ट्राइक करके हमने दुश्मनों को घर में घुसकर मारा। जो आतंकी कभी हमें डराते थे वो आज दुबक करके बैठे हुए हैं। साथियों, तमाम आतंकी हमलों का गुनहगार
मसूद अजहर अब ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुका है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस के राज में समाज का कोई भी वर्ग सुरक्षित नहीं रहा। कांग्रेस न्याय की बात करती है, लेकिन यहां आपने खुद देखा है कि दलित वर्ग से आने वाले अपने अध्यक्ष तक को वो इंसाफ नहीं दिला पाई। एक तरफ किसानों के हितों के लिए हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस ने झूठ और धोखे की नीयत अपना रखी है। कर्ज माफी के नाम पर उसने राजस्थान में, मध्य प्रदेश में किसानों को कैसे छला है, अब इसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। आपके आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है, जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर में जूते घिस रहे हैं, इन्हें जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, आने वाले 5 साल में अंदर भी कर दूंगा। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के निशाने पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। जब से मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का नाम बोफोर्स घोटाले से जोड़कर बयान दिया है, तब से दोनों कुछ ज्यादा ही आक्रामक हैं। प्रियंका ने तो कविता के जरिए मोदी पर वार किया है। वो फोर्स घोटाले में राजीव गांधी को जोड़कर की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी के बाद कांग्रेस मोदी को लेकर हमलावर हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने मोदी पर हमला करने के लिए कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता को अस्त्र बनाया। प्रियंका ने कहा, इतिहास गवाह है कि इस देश ने कभी भी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। जब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाने गए तो उसने उनको भी बंधक बनाने का प्रयास किया था। इस देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है, इतिहास इसका गवाह है, महाभारत इसका गवाह है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। उन्हें जब सच्चाई दिखाने के लिए भगवान कृष्ण उन्हें समझाने के लिए गए तो कृष्ण जी को भी उन्होंने बंधक करने की कोशिश की। इसी अहंकार पर राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की कुछ पंक्तियां हैं, सुनिए। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा कर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। राहुल गांधी भी इस मामले पर मोदी को लेकर कंफ्यूज से हो गए हैं। राहुल ने एक तरफ तो कहा कि मोदी टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़कर भाषण देते हैं, फिर कहा नरेंद्र मोदी मूल मुद्दों और बेरोजगारी की बात मत करना वरना भीड़ से निकलकर कोई मारेगा। इसके बाद राहुल ने कहा, आप मुझे मेरे पिता, माता, दादा, दादी, नाना, नानी को कुछ भी कहें, आप जितनी नफरत मेरे पर फेंकेंगे मेरे दिल में उतना ही प्यार वापस आएगा। आजकल नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, उसमें ऐसे दो आईने लगते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, टेलीप्रॉम्प्टर कहा जाता है उसको अंग्रेजी में। उसमें पूरा लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी जी आपको किसानों की बात नहीं करनी, मजदूरों की बात नहीं करनी, दुकानदारों की बात नहीं करनी, मोदी जी गलती से भी 15 लाख मत बोल देना, नरेंद्र मोदी बेरोजगारी की बात मत करना मर जाएंगे, नरेंद्र मोदी जी प्लीज गलती से भी ये चीजों के बारे में मत बोल देना, जनता भीड़ से कोई आके मारेगा आपको। तो नरेंद्र मोदी क्या करते हैं, नरेंद्र मोदी जी का कल भाषण सुनिए। कल कहते हैं राहुल गांधी से राजीव गांधी के बारे में बोलते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर कल और आज एक शहीद व्यक्ति का अपमान करते हैं। और मैंने क्या कहा, मैंने कहा देखिए मोदी जी एक बात आप समझ लीजिए, आपके दिल में जितना भी गुस्सा हो, जितना भी क्रोध हो, जितनी भी नफरत हो, आप मुझे जो गाली देना चाहते हो दे दो, आप मुझसे जो कहना चाहते हो कह दो, आप मेरे पिता के बारे में, माता के बारे में, नाना नानी, दादा दादी, सबके बारे में जो कहना है आप कहो, मगर एक बात समझ लो और अच्छी तरह समझ लो, मैं कांग्रेस पार्टी का नेता हूं, आप मेरे ओर जितनी भी नफरत फेंकोगे मेरे दिल से सिर्फ प्यार वापस आएगा।
राहुल गांधी लंबे अरसे से मोदी को टारगेट करके चौकीदार चोर है कह रहे हैं, लेकिन जब मोदी ने राहुल गांधी के पिता पूर्व प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की तो कांग्रेस के लोग तिलमिला से गए हैं। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना, 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भोपाल लोकसभा सीट पर भगवा वस्त्रधारी बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को साधु और बाबाओं को भोपाल बुलाना पड़ा है। इन साधुओं से दिग्विजय सिंह ने अपनी जीत के लिए हठयोग करवाया तो आज इनके साथ रैली निकाली। लेकिन इस बीच कांग्रेस के समर्थन में साधु और बाबाओं की रैली के दौरान लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। भोपाल में कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह को जीत दिलाने के लिए कंप्यूटर बाबा ने मैदान पकड़ लिया है। उनकी अगुवाई में भोपाल में साधु संतों की जमात ने डेरा डाला हुआ है। बैसाख की तपती धूप में खुद कंप्यूटर बाबा ने साधु संतों के साथ धुनी रमाई। मंगलवार को दिन भर साधु संतों ने यहां हठयोग किया। कंप्यूटर बाबा ने खुद दिग्विजय सिंह की जीत के लिए हवन किया। आज बाबा की अगुवाई में साधु संतों और दिग्विजय सिंह ने रोड शो किया, जिसका मकसद दिग्विजय सिंह को भोपाल में रण में जीत दिलाना है। इस रोड शो में पहुंचे साधुओं ने कांग्रेस का झंडा थामा हुआ था। इस रोड शो के दौरान बड़ा दिलचस्प नजारा देखने को मिला। एक तरफ जहां साधु संत कांग्रेस का झंडा थामकर राहुल गांधी के नाम के नारे लगाते हुए निकले थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगाते नजर आए। इसका यह वीडियो सामने आया है जिसमें साधु संतों के रोड शो के बीच कुछ लोग मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। दिग्विजय सिंह की साधु लीला हठयोग और साधुओं के रोड शो के बाद दिग्विजय सिंह की ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। भोपाल सीट पर 12 मई को वोटिंग होना है। प्रचार के लिए अब कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवार प्रचार का हर तरीका अपना रहे हैं, फिर चाहे साधु संतों की शरण में जाना हो या फिर मंदिर मंदिर दर्शन करना हो। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। कंप्यूटर बाबा के रोड शो में मोदी मोदी के नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। भोपाल पुलिस का कहना है कि कांग्रेस के समर्थन में पीरगेट से रैली निकाली जा रही थी, इसी दौरान रैली जैन मंदिर चौराहे के पास पहुंची। वहां उपस्थित कल्लू घनश्याम पप्पू राजेश व अन्य करीब अज्ञात 7-8 लोग विधि विरुद्ध एकत्रित होकर रैली के निकालते समय ही मोदी मोदी के नारे लगाने लगे, जिससे असामान्य स्थिति निर्मित होने लगी, जिन्हें पुलिस द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। लेकिन पुलिस को देख वे लोग भीड़ में तितर बितर हो गए, जिस पर आरोपी गणों के खिलाफ थाना कोतवाली में मामला दर्ज कर लिया गया है। देश के दिल से दिल्ली तक अब कांग्रेस। दंतेवाड़ा में सुकमा बॉर्डर के पास पुलिस और नक्सलवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में एक के बाद एक 2 हार्डकोर नक्सलियों के शव बरामद हुए हैं। इनके पास से 12 बोर की बंदूक और एक इंसास राइफल मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ सुकमा के बॉर्डर पर गुंदेरास के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मुठभेड़ में 2 हार्डकोर नक्सलियों के मारे जाने का पुलिस ने दावा किया है। साथ ही एक इंसास और 12 बोर की बंदूक भी बरामद की गई है। इस कार्यवाही में DRG और STF के जवान शामिल थे। कल दोपहर 3 बजे फटीक सूचना पे गुंदेरास में करीब 70 से 80 नक्सली, जिसमें की श्याम दादा SZC, विनोद देवा और एक सुकमा से आई हुई
बटालियन की एक प्लेटून वहाँ पे स्थित है और दंतेवाड़ा में बड़ी घटना करने के लिए उनकी प्लानिंग चल रही है। इसको देखते हुए दंतेवाड़ा DRG 1, 2, 3, 4, 5 STF बारसूर, STF पालना और महिला प्लेटून निकाली गई। फटीक सूचना पे हमने रात में ही गोंडेराज को घेर लिया और फर्स्ट लाइट पे हमने धावा बोला। तगड़ा एक्सचेंज ऑफ फायर करीब आधे घंटे चला, जिसमें कि एक महिला नक्सली वर्दीधारी इंसाफ के साथ ढेर हुई। एक 12 बोर भी मिला, शायद पुरुष नक्सली मारा गया, उसको खींच के ले जाने में शायद सफल हुए हैं। तो दो हथियार और एक महिला नक्सली इंसाफ के साथ जो है रिकवर हुई है। अभी उस एरिया में आसूचना की जा रही है कि जो मरा हुआ नक्सली पुरुष है उसको भी रिकवर किया जाए। जानकारी के मुताबिक पुलिस की टीम को गोंडेराज के जंगलों में नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर DRG और STF की संयुक्त कार्यवाही में टीम सर्चिंग करते हुए मौके पर पहुंची। जवानों को आता देख नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से फायरिंग में दो हार्डकोर नक्सली मारे गए। इस मुठभेड़ में कई नक्सलियों के घायल होने की सूचना मिली है। मारे गए दोनों नक्सलियों के शव लेकर पुलिस दंतेवाड़ा पहुंची, जहां उनकी शिनाख्त की जा रही है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। भोपाल लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपना विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। साध्वी ने कहा कि यह केवल अंश मात्र है, इसमें और भी चीजें जुड़ती रहेंगी। साध्वी ने मुहूर्त के कारण छोटा विजन डॉक्यूमेंट जारी किया है। इसके बाद साध्वी प्रज्ञा बाइक पर बैठकर भोपाल के सक्रिय रास्तों और गलियों में प्रचार करने पहुंची। भोपाल के BJP मुख्यालय में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं, बच्चों और रोजगार से संबंधित मुद्दे डॉक्यूमेंट में नहीं आ पाए हैं। प्रिंटिंग की कमी के वजह से विजन डॉक्यूमेंट का छोटा सा रूप जारी किया जा रहा है। किसान, मजदूर, दिव्यांग, छात्रों और दैनिक जनजीवन से जुड़े मुद्दों पर हम विजन डॉक्यूमेंट जारी कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त की वजह से ये डॉक्यूमेंट जारी किया जा रहा है। साध्वी से जब पूछा गया कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह भी ऐसा विजन डॉक्यूमेंट ला चुके हैं, तो उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया यह दृष्टि पत्र किसी का जवाब नहीं है। मैं जो भोपाल के लिए करना चाहती हूं, उसी को इसमें शामिल किया गया है। साध्वी ने कहा कि आज से वे बाइक पर बैठकर प्रचार करेंगी। भोपाल के विकास के लिए भी कुछ मुद्दे हैं जो अभी कुछ प्रिंटिंग या अथवा और कोई कमी के कारण हम आपके समक्ष नहीं ला पाए। जल्दी से आप प्रतीक्षा ना कर पाए, ना करें और परेशान ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा लेकर के आई हूँ। और उसमें आप आगे मानिए कि अंश मात्र है, परंतु मैंने जो महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, बच्चों की शिक्षा और विकास से संबंधित, दिव्यांग बच्चे हैं उनसे संबंधित, किसानों से संबंधित, मजदूरों से संबंधित, विद्यार्थियों से संबंधित और जो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं, जो दैनिक क्रियाओं में आती हैं, जैसे कि हमने कहा था कि सबकी समस्याएं हमारे पास आने वाली हैं और सबके सपने हमारे पास आने वाले हैं, तो वो आए हैं और उनके समाहित होने में थोड़ा सा समय लगा, परंतु आज मैं करना था, थोड़ा शुभ मुहूर्त था, इसलिए मैंने किया। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर मोटरसाइकिल पर सवार होकर प्रचार के लिए निकली। ये अलग बात है कि उन्होंने इस दौरान हेलमेट नहीं पहना था। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद थे। इससे पहले साध्वी प्रज्ञा सिंह ने कहा कि मैं अभी सड़कों पर ही प्रचार कर पा रही हूं। कांग्रेस की प्रताड़ना के कारण गलियों में नहीं जा पा रही हूं। आज से बाइक पर प्रचार करूंगी ताकि जनता के बीच में जाकर अपनी बात बता सकूं और उनकी क्या मांगे हैं उन्हें समझ सकूं। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना। 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस।
देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। पटेल ने कहा, यह देश के सम्मान का चुनाव है। कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रही है। हार्दिक ने मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा, मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं। कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर धावा बोला। हार्दिक ने कहा, कांग्रेस के राज्य में जनता खुश है क्योंकि कांग्रेस मुद्दों के साथ चुनाव में गई है। जनता ने 2019 में कांग्रेस की सरकार बनाना तय कर लिया है। हार्दिक पटेल ने मोदी पर भी निशाना साधा और कहा, मोदी देश की गुमराह कर रहे हैं और उनकी पार्टी जनता को मुद्दे से भटका रही है। हार्दिक ने भाजपा सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा, मोदी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अपमान किया है। मोदी ने लोगों पर झूठे वादे किए हैं, किसानों को धोखा दिया है। नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसानों का धोखा करने का काम किया। 2 करोड़ की रोजगारी का मामला हो, 15 लाख रुपए का मामला, इन सारे मामलों में 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा। और आज नरेंद्र मोदी जी इस देश में राष्ट्रवाद का मुद्दा ला रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदू मुसलमान का मुद्दा, भारत पाकिस्तान का मुद्दा, लेकिन हिंदुस्तान की जनता ने तय किया है कि हमारा मुद्दा है रोजगारी है, किसानी है, महिलाओं का सम्मान है, भारत माता को सबसे मजबूत करने का हमारे पास मुद्दा। और इन सारे मुद्दों के साथ मैं मानता हूं कि 2019 की सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बने। हार्दिक पटेल ने कहा, गुजरात में किसानों को नहीं उद्योगपतियों को पानी मिल रहा है। हार्दिक ने कहा, गलत प्रधानमंत्री देश के लिए हानिकारक साबित हुआ है। मोदी ने आज तक अपने किए वादों का हिसाब जनता को नहीं दिया है। भाजपा ने मुझ पर देशद्रोह का आरोप लगाया है। हार्दिक ने कहा, देश का भरोसा अब कांग्रेस पर है। हमारी सरकार बनते ही हमने कर्ज माफी और अब किसानों के लिए अलग बजट हम लाएंगे। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ग्वालियर चंबल की चुनावी रैलियों में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने राफेल सौदे के साथ ही देश में हुए अन्य कथित घोटालों को सिलसिलेवार गिनाया और कहा कि एक बात तय है कि चौकीदार तो चोर है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भिंड, मुरैना और ग्वालियर में जनसभाओं को संबोधित किया है। उन्होंने कहा, पहले नारा चलता था कि अच्छे दिन आएंगे, पूरा देश कहता था मोदी जी आते थे, कहते थे 56 इंच की छाती है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर दिखाऊंगा। जनता ने कहा, हाँ भाई, चौकीदार कह रहा है तो चौकीदार को टेस्ट कर लेते हैं। 2014 में पीएम बना दिया, पीएम बने तो काम शुरू किया, पहले लोगों को दिखा कि उन्होंने युवा और किसानों की बात की, लेकिन भाई गले तो नीरव और मेहुल से लगते हैं, गरीब और माता बहनों के गले मिलते नहीं दिखते। जनता के मन में सवाल उठा। कुछ दिन बाद राफेल का मुद्दा सामने आया। पीएम मन की बात फ्रांस के राष्ट्रपति और हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी से कर रहे हैं, यह सच्चाई है। पीएम बने तो जीएसटी लाए। आप भिंड, मुरैना में किसी भी व्यापारी से पूछिए कि क्या इससे फायदा हुआ। राहुल गांधी ने राफेल को लेकर मोदी को कटघरे में खड़ा किया। आपने जब 30,000 करोड़ रुपए भिंड के युवाओं से छीने, भिंड के युवाओं से चोरी किए, और आपने जब वो पैसा उस चोर अनिल अंबानी के बैंक अकाउंट में डाला, तो आपको क्या लगा? आपके दिल में कौन सी भावना पैदा हुई कि भिंड के युवा अपनी जान दे रहे हैं और देश का प्रधानमंत्री उन्हीं युवाओं से चोरी करके उस चोर के बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहा है? नरेंद्र मोदी जी, आप मुझे बताइए, देश को बताइए, आपके दिल में कौन सी भावना जागी थी? आपने क्या सोचा था जब मैं आपके बारे में कहता हूं कि चौकीदार चोर है? मैं सबूत लेके बोलता हूं। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला, कि हिंदुस्तान के चौकीदार ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे बोला, मीटिंग में बोला कि अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, मीटिंग में बोला
कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा, नरेंद्र मोदी ने उनको बोला 526 करोड़ का हवाई जहाज नहीं खरीदा जाएगा, 1600 करोड़ रुपए का हवाई जहाज खरीदा जाएगा। फ्रांस के प्रधान राष्ट्रपति ने बोला कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा कि हवाई जहाज हिंदुस्तान में नहीं बनेगा, फ्रांस में बनेगा। हिंदुस्तान के युवाओं को राफेल कॉन्ट्रैक्ट से रोजगार नहीं मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, लाखों करोड़ रुपए का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है। अनिल अंबानी ने भाइयों और बहनों जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया, 45,000 करोड़ रुपए का बैंक का कर्जा है उस पर। उसके भाई ने उसे जेल में जाने से रुका, बचाया। अब आप मुझे बताइए नरेंद्र मोदी जी, इस चोर को आपने क्यों चुना? राहुल गांधी ने कहा, न्याय योजना से पैसा सीधे लोगों को मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि 5,55,000 करोड़ रुपए 15 लोगों के माफ किए गए। इनमें अनिल अंबानी और नीरव जैसे लोग थे। किसानों और युवाओं का कितना कर्ज माफ किया? सिर्फ जीरो। राहुल ने न्याय योजना को सिलसिलेवार समझाया, इससे देश की अर्थव्यवस्था आरंभ होगी। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। छतरपुर से एक दर्दनाक खबर आई है, जहां एक डंपर ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में दो जुड़वा बहनों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। छतरपुर के सटई थाना क्षेत्र में अमरोनिया रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 मासूम बच्चियों सहित 1 बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना उस समय हुई जब एक बाइक पर पिता अपनी बेटी और उसके 3 मासूम बच्चों को लेकर राजनगर से अमरोनिया शादी समारोह में जा रहे थे। तभी तेज रफ्तार डंपर ने इन बाइक सवार लोगों को टक्कर मार के कुचल दिया, जिससे मौके पर ही 6 साल की 2 जुड़वा बहनों सहित बच्चियों के नाना की मौके पर मौत हो गई, जबकि बच्चियों की माँ और 3 साल का मासूम घायल हो गया, जिन्हें लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसकी घटना हुई थी, शादी में आती थी मोटरसाइकिल से, टक्कर लग गया। किसने मारी टक्कर? डंपर बताया हुआ था, डंपर 5 जन। कौन कौन? 3 समी तो, और जब मोड़ी थी 3 बाल बच्चे। कोई खत्म हुआ क्या? और 3 जन। कौन कौन? जो करा दो। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। न्याय मतलब कांग्रेस की न्यूनतम आय योजना। 5 करोड़ परिवारों को मिलेंगे 72,000 रुपए सालाना, 25 करोड़ लोग होंगे लाभान्वित। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपराधों की राजधानी बन चुके इंदौर शहर में बच्चियों के दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऐसा ही मामला कल सामने आया था, जिसमें एक नशेड़ी युवक ने 5 वर्ष की बच्ची को हवस का शिकार बनाया और उसकी हत्या कर कुएं में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पूर्व देर रात हीरानगर थाना क्षेत्र में 5 वर्षीय बच्ची का अपहरण का केस दर्ज किया गया था। पुलिस बच्ची की
खोज में लगी थी। तभी बच्ची की लाश देर रात पास ही के कुएं में बरामद हुई। बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बच्ची के साथ दुष्कर्म की पुष्टि भी हुई। पुलिस ने बच्ची के घर के पास ही रहने वाले युवक को गिरफ्तार किया है, जिसने पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी हत्या कर कुएं में फेंकना कबूल किया है। एक आरोपी है जिसने ये पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया। इस व्यक्ति का नाम है नंदू, पिता शंभू। इसकी उम्र है 30 साल। 12 बजे उसने बताया, 12 बजे मेरी नींद खुली, 12-1 बजे मैंने फिर पता नहीं मेरे को क्या हुआ, कौन सी मेरे पे वो इफेक्ट हुआ, पर मैंने सोचा कि मेरे को उस लड़की के पास जाऊं। उसको मालूम था वो बच्ची जो थी वो उसके बेटों के साथ खेलती थी, वो बच्ची कहाँ रहती है उसको मालूम था, वहाँ से वो गया। और बच्ची जो थी वो अपने माता पिता के बीच में नहीं, साइड में सो रही थी। इसने उस बच्ची को वहाँ से उठाया, कोई उसमें जागा नहीं ऐसा इसने बोला ना, वो बच्ची रोई और ये उसको लेके आगे गया। खेत है बैंगन का, वहाँ पे जाके इसने इसके साथ दुष्कर्म किया। दुष्कर्म करने के दौरान वो बच्ची उठ गई और बच्ची ने जब हल्ला करने का प्रयास किया तो इसने एक हाथ से उसका मुंह दबाया और दूसरे हाथ से इसको गला में उसने उसके जो एक काला धागा बंधा था उसको उसने पकड़ के घुमा दिया और गला घोट दिया उसका। थोड़ी देर बाद वो बच्ची की ऐसा ये बोलता है कि बेहोश हो गई और शायद उसकी जान भी चली गई थी तभी, और उसको फिर कुछ सूझा नहीं, पास में जो कुआं था उसमें जाके उसने इसको फेंक दिया और अपने जाके सो गया। बाद में इसके जब राउंड अप किया, इसमें हमें कोई कहीं पूछताछ में भी इसने कबूला है, कोई ऐसे साक्ष्य भी मिले हैं इसके शरीर पे जिससे ये कंफर्म होता है कि इसके द्वारा भी कोई ना कोई गलत कृत्य किया गया था। दरअसल पकड़ाया गया आरोपी नंदू पिता शंभू है, जो मूलतः झाबुआ का रहने वाला है। वह अपने परिवार के साथ रहकर मजदूरी करता है, वह नशे का आदी भी है। शंभू ने वारदात को अंजाम नशे की हालत में दिया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। एक पुलिस वाले ने पुलिस स्टेशन में महिलाओं की जमकर पिटाई लगाई। इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आए और महिलाओं के साथ बेरहमी से पेश आने वाले प्रधान आरक्षक को निलंबित कर दिया। ये वीडियो आपको परेशान कर सकता है। इसमें एक पुलिस वाले की दरिंदगी साफ नजर आ रही है। पुलिसकर्मी महिला को जमकर लाठियों से पीट रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद आला पुलिस अधिकारी ने इसकी जाँच शुरू कर दी है। यह दृश्य ग्वालियर के जीआरपी पुलिस स्टेशन का है। यहाँ चोरी के संदेह में पूछताछ के लिए लाई गई महिलाओं को एक हेड कांस्टेबल ने जमकर पीटा। इस हेड कांस्टेबल सुभाष मिश्रा को जीआरपी एसपी ने निलंबित कर दिया है। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भरण समाचार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। नमस्कार, भरण समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, आजकल तो इलेक्शन में ऐसी ऐसी खबरें आ रही है, बहुत मजा आ रही है बता रहे हूँ। अभी कल की ये खबर सुन लो, ये दिग्विजय सिंह के समर्थन में ये कंप्यूटर मोबाइल वाले बाबा हैं। कौन से बाबाओं के नाम भी देखो कि टेक्निकल हो गए आजकल। वो है ना, तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, कुछ तांत्रिक क्रियाएँ कर रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, ये तंत्र मंत्र का उपयोग करना है तो अच्छे कामों में कर लो भैया, थोड़ा ये आतंकवाद समाप्त करवा दो, ये भ्रष्टाचार दूर भगाओ, ये चीज़ ऐसे काम करो इनके लिए। बाबा को मैं बता रही हूँ, ये बाबा वही है इनको पीछे राज्य मंत्री का दर्जा मिल गया था। और मैं बता रही हूँ, मैं सोच रहा हूँ दाढ़ी वाड़ी बढ़ा लूँ अगले चुनाव के बाद, हो सकता है मेरे को मंत्री वंत्री बना दें। बाबा को धंधा अच्छा है बता रही हूँ। और ये खबर ये देख लो, प्रियंका गांधी और ये यानी अब चुनाव में इनको जो स्क्रिप्ट राइटर वगैरह होती बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और पहले इनको ये दुर्योधन वगैरह बोल रही है मोदी को, और उसके बाद ये राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएँ सुना रही हैं। जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है, बताओ। अब ये कविताएं वगैरह इनको समझ में आती है कि नहीं वो मुझे पता नहीं है, लेकिन उपयोग बहुत अच्छा हो रही है। हाँ, ये तो चल रहा है। वो ये प्रज्ञा ठाकुर इनको है ना, ये मेडिकल ग्राउंड पे बाहर आई थी, इनको इनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती है। कल में मोटरसाइकिल वगैरह पर देखा इनको, धूप में घूम रही थी पूरे शहर में। अब मुझे लगता है कि हो सकता है ये धूप से उनको भी कुछ फ़ायदा मिलता हो, और चुनाव में तो घूमना पड़ता है, पसीना बहाना पड़ता है, बता रही हूँ। वो ये कांग्रेसी लोग देखो भैया, गट्ठे भर भर के है ना, वो शिवराज सिंह चौहान के बंगले पे पहुंच गए, वहाँ पे वो सब सबूत देने के करीब माफ़ी के। उन्होंने कहा भैया बैंक वाली लिस्ट लाओ, ये कौन सी लिस्ट लेके आ गए, वो भी मुख्यमंत्री रहे, उनको पता है माफ वाफ कैसे होता है, बता रहे। ये सबूत ले लेके जा रहे हैं, मतलब क्या परंपराएँ शुरू हो गई हैं बता दो। वो उनकी सरकार आ गई फिर से तो फिर ये लेके जाएंगे सबूत, ये तो चल रहा है बता रहा हूँ। एक दूसरे को नीचे दिखाने में है ना कोई कदर छोड़ नहीं रहे, बता रही हूँ।
हाँ ये गल है। वो आजकल कैलाश विजयवर्गीय की नहीं दिख रहे, और वो मुझे पता लगा वहाँ गए हुए पश्चिम बंगाल, वहाँ पे इन्हें ममता बनर्जी को बहुत टेंशन में ला दिया उन्होंने, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है हमारे मध्य प्रदेश के हैं, कुछ अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे, और मैंने सुना है उनकी ससुराल भी वहीं है, तो वहाँ पे स्वागत वागत भी अच्छा होता होगा उनका। और मैं उतना अभी क्या रिजल्ट आ रहे हैं 10वीं 11वीं 12वीं के, वो ऐसे लपक के नंबर मिल रहे हैं 500 में से 499, ऐसे मतलब बच्चों को है ना वो शिक्षा मजदूर बना दिया, बता रहे हो ऐसे मजदूरी करवा रहे हैं बच्चों से लपक के, स्कूल से आए बस्ता फेंका और फिर कोचिंग जाओ, ये पूरे 24 घंटे पढ़ाई वढ़ाई, ये खेलना कूदना उनका बंद हो गया बेचारों का, वो नंबर देख के बड़े खुश होते हैं माँ बाप, हमें बता रहे हैं उनका मानसिक विकास भी तो जरूरी है, वो ये जो जाँचने वाले कॉपी हो पेपर बनाने वाले पता नहीं क्या चल रहा है, हमारे टाइम में तो 60% आ जाते थे पूरा मोहल्ले मिठाई बांटता था, वो अब तो भैया हर आदमी मिठाई बांट रहा है, 90% से किसी कम नहीं आते, तो ये था तो चल रहा है मजदूरी चल रही है शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं भी सोच रहा हूँ भैया फिर से है ना अपनी परीक्षा दे लूँ, अपना परसेंटेज सुधार लूँ, लपक के नंबर मिल रहे हैं इस समय, हाँ तो भैया मैं चला कोचिंग पढ़ने। नमस्कार। देश के दिल से दिल्ली तक, अब कांग्रेस। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।